वर्ल्ड कप में पाक की हालत खस्ता। पाकिस्तान क्यों नहीं जीत पाया एक भी मैच। जाने पाकिस्तान की हार की असली वजह। पिछले दिनों खत्म हुए T20 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के साथ फाइनल मुकाबला खेला था। हालांकि टीम वहां भी फाइनल मुकाबला हारी थी, लेकिन फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी। इसके अलावा T20 साल 2021 वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। टीम फाइनल में वहां नहीं पहुंच पाई, लेकिन सेमीफाइनल सुपर चार तक पहुंची थी। बात करें अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो एक साल में पाकिस्तान की टीम का खेल वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से बदल गया है। पाकिस्तान की टीम इस साल अब तक दो मुकाबले खेल चुकी है और वर्ल्ड कप के दोनों ही मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान का पहला मुकाबला भारत के साथ हुआ, जहां भारतीय टीम ने 4 विकेट से पाकिस्तान को मात दी। विराट कोहली ने 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसके अलावा पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ हुआ, जहां रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम को 1 रन से जीत मिली और पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार मिली। अब बात करें अगर पाकिस्तान की टीम की, तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की टीम को आगामी अपने तीनों मुकाबले जीतने होंगे। तीनों मुकाबले यानी कि बांग्लादेश, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका को हराना होगा। इसके अलावा दूसरी टीमों के परिणाम पर भी पाकिस्तान की टीम को निर्भर रहना होगा। आपको ये बता दें कि पिछला वर्ल्ड कप यानी कि साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप UAE और ओमान में खेला गया था, जहां टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इस साल यह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है और अगर आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ख़राब है। रिकॉर्ड की ओर नज़र डालें तो पाकिस्तान की टीम पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में T20 मुकाबले खेल रही है। अब तक पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एक भी जीत नहीं मिली है। अगर रिकॉर्ड की ओर नज़र डालें तो पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जहां उसे 5 में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को अब तक T20 में एक भी जीत नहीं मिली है और उसे अपनी पहली जीत का इंतजार है। इसके अलावा अन्य देशों में यानी कि सेना कंट्रीज में पाकिस्तान के रिकॉर्ड की ओर नज़र डालें तो इंग्लैंड में पाक ने 20 मुकाबले खेले हैं, जहां 11 जीते हैं। साउथ अफ्रीका में 18 खेले हैं, जहां 11 जीते हैं। न्यूजीलैंड में 17 में से 9 मुकाबले जीते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब तक उसका खाता नहीं खुल पाया है। वहीं एक और भारत के अगर रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वह काफ़ी शानदार है। भारत ने अब तक 14 T20 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, जहां 9 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना भारत को करना पड़ा है। इसके अलावा एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अपने लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी गेंदबाजी की भी बात करते चलें तो पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम 2 मुकाबलों में अब तक केवल 4 रन बना पाए हैं। वहीं टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी 2 मुकाबलों में केवल 18 रन ही बना पाए हैं। टीम के लिए शान मसूद 96 रन बना चुके हैं, जो कि सर्वाधिक है। इसके अलावा बात करें अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, तो पाक की बल्लेबाजी पूरी तरीके से इन 2 बल्लेबाजों पर ही निर्भर हो चुकी है। बहरहाल गेंदबाजी में शाहीन शाफरीदी को भी 1 विकेट अभी तक नहीं मिला है। क्या कुछ आपकी राय है पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को लेकर और पाकिस्तान की हार की वजह को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।